है कि कांग्रेस के लोगों के पास कुछ शेष नहीं बचा है। अब वास्तव में कांग्रेस का जो असली रूप सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां एक और कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं ने कोडिया में जनसभा की। वहीं दूसरी ओर कोडिया में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धुआंधार प्रचार कर विश्वनाथ सिंह को विजयी बनाने जनता के बीच पहुंचे। लाडली बहन जिंदाबाद के नारे लगाए और भाजपा को वोट देने की अपील भी की। पत्रकारों के सवाल पर भाजपा ने रोशनी यादव का बारबोलापन बताया एवं कांग्रेस की बौखलाहट बताई। कल कांग्रेस की महिला नेत्री रोशनी यादव जी कोड़िया में आम सभा के दौरान जिन्होंने राम मंदिर के बारे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल एक आदेश जारी किया है, बाकी राम मंदिर कब से भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले जब जनसंघ थी तब से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का मुद्दा लेके आ रही थी और यही कांग्रेस बार बार कह रही थी कि राम मंदिर क्यों नहीं बना रहा, अपने मुद्दों पर खरे नहीं उतर रही है भारतीय जनता पार्टी, और जब राम मंदिर बना दिया तो अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। नहीं यादव, उनको ये मालूम नहीं है कि जी राम मंदिर का मुद्दा कब से चल रहा है। राम मंदिर का मुद्दा 1990 के पहले से चल रहा है, उसमें कितने हिंदू स्वयंसेवकों ने बलिदान दिया ये उनको मालूम नहीं है। हैं उसमें हम लोग भी कोड़िया से कार सेवा के दौरान गए थे, हमको मालूम है राम मंदिर में कितना त्याग कितना बलिदान स्वयं सेवकों ने किया, कार सेवकों ने किया है। जो इस तरह की बात करते हैं और मंच पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने के लिए कर देते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ एक समाज के विषय में क्या बोला उन्होंने, क्या है जो कुवंश है वो हमारे देश का सभ्य कुवंश है और वो कुवंश के लोग हैं, उसके विषय में ऐसी गलत टिप्पणी कर दी आपने, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये हमारा उनसे निवेदन है। और दूसरा ये है कि कांग्रेस के लोगों के पास कुछ शेष नहीं बचा है, अब वास्तव में कांग्रेस का जो असली रूप सामने आया है। विश्वनाथ सिंह जी अपनी माता जी के अंतिम संस्कार में थे और यहाँ कोड़िया में सभा चल रही थी, उस दौरान उन्होंने जरा सी संवेदनाएं भी व्यक्त नहीं की, लेकिन उन्होंने कौरव समाज पर जो टिप्पणी करी है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए आघात करती है, क्या कहना चाहेंगे? हो रही थी उसमें भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उस सभा को भी सुन रहे थे और भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद थी कि शायद मंच से कोई भी व्यक्ति आदरणीय मुलायम सिंह जी की, विश्वनाथ भैया जी की जो माँ जी खत्म हो गई हैं उनके प्रति कोई दो शब्द संवेदनाओं के व्यक्त करेगा, पर जब हम लोगों ने देखा कि संवेदनाएं व्यक्त न करते हुए उन्होंने तो पूरी कौरव समाज को क्या क्या कह दिया ये हम लोगों को, मैं कौरव समाज से नहीं हूं पर हम लोगों को भी यह बात बुरी लगी कि उन्हें कौरव समाज के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाए, ये निरर्थक गलत है और संवेदनाएं तो व्यक्त बिल्कुल नहीं की उस समय, जबकि हम अगर भारतीय जनता पार्टी की सभा हो रही होती तो हम प्रयास करते कि भी किसी भी अगर ऐसे बड़े नेता की कोई दुखद घटना हो जाती तो हम सभा भी कैंसिल करते और उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त भी करते।